अस्सलामुअलैकुम। मेरी इतनी गहरी नज़र नहीं है जितनी सफ़ीर ने शायद कहा और ना ही मेरा इतना एक्सपीरियंस है, पर मैं समझती हूँ कि जिस इशू को लेकर आज मैं बोलूँगी और हम सब जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये एक इशू ऐसा है कि इस पे हम जूं हम इस पे बोलेंगे ना, वी नीड टू टॉक अबाउट इट, वी नीड टू कम्युनिकेट अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस और इन चीज़ों के बारे में, और जितना हम बोलेंगे ये इशू उसी तरह से खुल के सामने आएगा। आज 12 फरवरी का दिन है और आप सब लोगों को मालूम है कि आज का दिन जो है वो एक पाकिस्तानी औरत के दिन के
तौर पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है. कमेमोरेशन है बेसिकली ये, एक हम इसको कमेमोरेट करते हैं औरतों के हवाले से. और ये एक, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में ओबियसली बात करूंगी ज़्यादा, कि ये जो एक जदोजहद थी यहाँ पे जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, इसका आगाज़ हो गया था 1979 में, जब हदूद लॉज बने थे. और डिस्क्रिमिनेट जो हदूद लॉज के बारे में आप लोगों को पता है कि जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे अगेंस्ट माइनॉरिटी एंड जो पाकिस्तानी जो वेमेन हैं उनके अगेंस्ट. ये किसी औरत को, जैसे आजकल ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि अगर किसी मर्द ने किसी औरत को, अपने घर के अंदर रहने वाली औरत को, बीवी को पर्टिकुलरली अगर टॉर्चर करना है, तो वो उसको इकोनॉमिकली भी अब्यूज़ उसको वो करता है, उसको वो खर्चा बंद कर देगा, उसको बिल्कुल मेंटेन करना जो है वो छोड़ देगा. तो वॉयलेंस की जो एक डेफिनेशन है वो सिर्फ इसी को नहीं कवर करती, ना सिर्फ ये, बल्कि अगर उसको हरास कर रहा है उसका हस्बैंड घर के अंदर, ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रीट पे हरास हो रही है, तो उसी को हम हरासमेंट कहें. सॉरी, इंटिमिडेटेड जी, अगर किसी तरह से भी इंटिमिडेट उसको कर रहा है, या उसको फॉर इंस्टेंस उसको अगर फॉलो कर रहा है कोई बंदा बगैर किसी वजह के, उसको वो फॉलो कर रहा है, उसके ऑफिस में जा रहा है और वो ऑफिस में जाके उसके लिए कोई फर्स क्रिएट कर रहा है या उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो वो भी एक वॉयलेंस है. तो वॉयलेंस को वी कांट रियली लिमिट वॉयलेंस टू ओनली फिजिकल बीटिंग और ओनली टू साइकोलॉजिकल अब्यूज, बट ओबियसली सोशली, जैसे आपने कहा कि उसका अब्यूज, ये तो वो एक बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है. वॉयलेंस औरतों को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि उनको इमोशनली और उनको मेंटली और इमोशनली बिल्कुल ख़त्म कर देता है. जो वॉयलेंस होता है उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है. और जिस औरत में कॉन्फिडेंस नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे, आप बताओ, वो एक कॉन्फिडेंट बच्चों को और एक इमोशनली स्ट्रांग बच्चों को कैसे मुझे बताएं कि वो पैदा करेगी और उनकी वो आगे उनको ब्रिंग अप करेगी इस तरीके से कि वो हों. जो हमारा डोमेस्टिक वॉयलेंस बिल है, इस पे ये एक अच्छा बिल है ओबियसली. और इसकी छोटी छोटी सी मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि इसमें ये है कि अगर अव्वल तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप लोगों ने ही मुझे बताया कि डोमेस्टिक जो वॉयलेंस है इसमें फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं. इन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें एक डेफिनेशन बताई है, ठीक है, कि ये क्या है डोमेस्टिक वॉयलेंस. उस डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि इवन जो उसका इमोशनली अगर औरत को तंग किया जा रहा है, इकोनॉमिकली तंग किया जा रहा है, अगर उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जा रहा है जिसमें वो रह रही है, अगर उसको उस जगह पे जहाँ पे वो जॉब कर रही है वहाँ पे तंग किया जा रहा है, तो ये सब इसी में डोमेस्टिक वॉयलेंस ही के अंदर आएगा. और इसमें मतलब कि मर्द या औरत कोई भी, क्योंकि इस डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो वनरेबल बंदा है, ठीक है, तो इसमें वो वनरेबल में कोई मर्द भी हो सकता है. मर्द अपनी बीवी के हाथों तो नहीं होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस के आगे, वो मर्द भी शायद हो सकता है बेटे के हाथों. वो इसमें मैम जियो पे डॉक्यूमेंट्री चली थी कुछ हफ्ता पहले, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद से बहुत से ऐसे मर्द हैं जिनको उनकी बीवियां मारती रही हैं, जिनको उनकी बीवियां मारती रही हैं, और कुछ लोगों ने उसपे इंटरव्यूज भी दिए थे. अच्छा, ठीक है. अच्छा, तो ये इसलिए जो है जेंडर, जो भी कोई विक्टिम हो वो औरत हो या मर्द हो, उसको तमाम औरतों को और मर्दों को सबको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए. 99% केसेस में औरतें ही होती हैं विक्टिम, लेकिन 1% केस में अगर कोई मर्द हो तो उसको भी जो है वो थोड़ी सपोर्ट मिलनी चाहिए. दिस स्टोरी यू आर रेफरिंग टू यू नो व्हिच वाज लाइक प्रोबब्ली प्लेड बाय जियो और व्हाटएवर, ये मीडिया का भी यहां से रोल देखें. अगर तो ये डॉक्यूमेंट्री अव्वल तो आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि कोई औरत अपने मियां को मारती होगी. मे बी कोई 4 केसेस या 5 केसेस या 6 केसेस हों, लेकिन ऐसा मतलब हम लोगों को खुद पता है ना, क्योंकि हम इसी वी आर पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी ओबियसली ना. सो ऐसा वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि लोग शोर करते हैं पार्लियामेंट में कि नहीं मर्दों को क्यों नहीं, भाई किसी तरीके से यहाँ पे उनको भी ले आओ, तो ठीक है, इट्स फाइन, क्योंकि वनरेबल मर्द हो सकता है ना इन सम केसेस, ठीक है. लेकिन ओबियसली जो वनरेबल है यहाँ पे वो बच्चे ही हैं, औरतें ही हैं, बूढ़े हैं जो हैं वो वनरेबल जरूर होंगे. जो प्रोविजन है उसमें मैं एक बात कहूंगा, हाँ, जो कि बड़ी मेरा पर्सनल व्यू है कि बड़ी अच्छी होगी औरतों के हाथ में, परसेंटेज कर दी जाए जैसे 17% अभी साथ रो मैटर से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके केसेस आए हैं कि शादी करके पाकिस्तानी लड़की ने वापस भेज दी, बच्चा हो गया, लड़की यहाँ पे है, अमेरिका में केस फाइल किया 17% और 18% आई गेस, वो जो उसकी मंथली इनकम है उसकी, जो उसके अकाउंट में आती है, उससे ऑटोमेटिकली बच्चे के और बीवी के उसमें जो अकाउंट में चली जाती है. ये पॉजिटिव चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में ज्यादा होना चाहिए. आप बता रहे हैं ना कि हाउ कैन वी ब्रिंग इन मोर, वही तो मैंने कहा कि यू जस्ट गो ऑन वेबसाइट एंड गेट अ कॉपी ऑफ दैट द ऑर्डर एंड पुट योर रिकमेंडेशंस इन,
just forward it to us so that we can home made mattress jo hai us yahan par acha ek suggestion hai we can take it anywhere ab us pe kaam karna chahte hain aap log informally baad mein agar isko jaari rakhna chahe to usme thank you so much आप लोगों का मैं एक दफ़ा शुक्रिया अदा कर दूं जाने से पहले बिकॉज इट वाज क्वाइट पॉजिटिव एंड इट वाज वेरी लाइक पॉजिटिव डिस्कशन एंड आई जस्ट वांटेड टू एंगेज सम आखिर पे हम दो तीन लोग बैठे रहेंगे बाकी सारे उठ के चले जाएंगे और प्लीज डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को सब अपना इशू समझें।